अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप हैं शिफ्री गुलमान के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.1। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसका आपने x के लिहाज के इसका डेरिवेशन निकालनी है और डेफिनेशन का मेथड यूज करना है। इसमें आप इस तरह करना है, इसको इक्वल टू y के पुट कर दें और y को चेंज करेंगे y प्लस डेल y में, और इसी तरह x जो चेंज होगा वो आएगा x प्लस डेल x। अब आपने इस तरह करना है, जो प्लस का वाई इसको उठाकर उधर ले जाना है, उधर आकर ये माइनस का वाई हो जाएगा, x प्लस डेल x माइनस वाई। यहां पर आपने y की वैल्यू स्पोर्ट कर देनी है, तो y की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस x, क्योंकि बाय माइनस x के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, लिया जाएगा 2 प्लस अंडर रूट x। तो प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, लिया जाएगा अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x प्लस डेल x। जब भी मैथमेटिक्स में दो अंडर रूट की वैल्यूज आ जाएं, इसका हम कंजुगेट लेते हैं सॉल्व करने के लिए। कंजुगेट से मुराद होता है ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके ऊपर भी लिखे और नीचे भी साइन चेंज करके। ये फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट x प्लस डेल x का स्क्वायर ओवर अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस डेल x, ये काट जाएंगे तो x माइनस x बाय माइनस अंडर साइन चेंज हो जाएगा x प्लस डेल x। यहां पर डेल y था तो ये प्लस x माइनस x अब कैंसिल हो जाएगा। अब आपने इसे करना है, ये माइनस डेल x है, इसमें सिर्फ डेल x से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, ये डेल x इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा माइनस वन ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स। अब आपने दोनों तरफ लिमिट पुट कर लेनी है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल एक्स, तो ये चेंज हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स में, और इधर जहां पर डेल एक्स आ रहा है वहां पर आपने जीरो पुट कर देना है। अब यहां पर अगर हम जीरो पुट करें एक्स प्लस जीरो, तो जीरो से इसका मतलब x ही रह जाएगा, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन ओवर टू अंडर रूट x। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है 1 ओवर x माइनस a, इसको इक्वल टू लिखें y के। तो सबसे पहले आपने इसका करना है, इसका ये o है ये खत्म करना है, यानी बटा खत्म करना है। जब बटा खत्म करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर आ जाएगी x माइनस a की पावर माइनस 1। अब इस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें y को चेंज करेंगे y प्लस डेल y में, y प्लस डेल y और x चेंज हो जाएगा x प्लस डेल x माइनस a की पावर माइनस 1। अब इसमें इस तरह करना है, डेल x वाली वैल्यू एंड पे लिखनी और एक y को उधर ले जाना है, डेल y इज इक्वल टू x माइनस a प्लस डेल x पर माइनस 1। ये प्लस का y उधर आकर माइनस का y हो जाएगा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू है x माइनस a रेज टू पावर माइनस 1। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें आपने ये जो x - a है ना, इधर से भी उधर से भी कॉमन निकाल लें, इसको अगर हम कॉमन निकालें तो हमारे पास आ जाता है x - a रे टू पावर माइनस 1। यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा लें, यहां पे इसकी जगह कॉमन आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसमें कॉमन नहीं है तो इसमें हम लिखेंगे डेल x ओवर x - a रे टू पावर माइनस 1 और ये आ जाएगा माइनस का 1। अब यहां पर बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल होगा, इसमें आ जाएगी माइनस पावर माइनस बटे नीचे आ जाएगी x - a। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 प्लस पावर इनटू सेकंड टर्म माइनस डेल x ओवर x - a प्लस पावर इनटू पावर माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू डेल x ओवर x - a इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस अप टू जो लास्ट वैल्यू इसकी पावर है डेल x ओवर x - a की पावर, और जो बाय माइनस वन लिखा हुआ ये आ जाएगा। अब ये जो प्लस का वन है और माइनस का वन है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इन तमाम क्वेश्चन के अंदर ये जो वैल्यू लिखी होगी ना डेल एक्स ओवर एक्स माइनस ए, तमाम से कॉमन आ रही होगी, तो ये चीज आपने कॉमन निकाल लेनी है, वन ओवर एक्स माइनस ए इंटू डेल एक्स ओवर एक्स माइनस ए, इसकी जगह पे आ जाएगा वन माइनस वन, तो ये जब माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू वन जार टू, और टू फैक्टोरियल टू ही होता है, इसकी एक पावर कॉमन आ गई तो डेल एक्स ओवर एक्स माइनस ए एक पावर आ जाएगी प्लस, इधर जब एक पावर कॉमन निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे एन माइनस वन।
अब इस तरह पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ये डेल एक्स मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है डेल वाई ओवर डेल एक्स, और नीचे वाली वैल्यू सेम है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा यानी एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अब जो पीछे वैल्यू बचेगी माइनस वन इंटू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा डेल एक्स ओवर एक्स माइनस ए प्लस अप टू डेल एक्स ओवर एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन माइनस वन। अब आपने दोनों तरफ लिमिट पुट कर देनी है, इधर जब हम लिमिट पुट करेंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो और इधर भी आएगी लिमिट डेल एक्स अप्रोच ये चेंज हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स में, और ये वैल्यू चेंज भी जाएगी सिर्फ डेल एक्स की जगह जीरो पुट करना है। तो हम देख सकते हैं कि इधर डेल एक्स है इसकी जगह जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो की वैल्यू डिवाइड होती है और जीरो हो जाती है, इसी तरह ये भी जीरो हो जाएगा तो सिर्फ ये आ जाएगा माइनस वन। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन ओवर एक्स माइनस ए रेज का होल स्क्वायर। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर है सेवन, इसको भी आपने इक्वल टू वाई लिख लेना है और सबसे पहले आपने इसका ये बटा खत्म कर देना है, ये एक्स की पावर प्लस एम है पर आकर माइनस पी एम हो जाएगी। अब वाई जो होगा वो चेंज होगा वाई प्लस डेल वाई में और एक्स चेंज होगा एक्स प्लस डेल एक्स में, प्लस का वाई इसको उधर लेना है उधर आकर ये माइनस का वाई हो जाएगा। डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास एक्स रेज टू पावर माइनस एम। अब इसमें आपने एक्स रेज टू पावर माइनस एम कॉमन निकाल लेनी है, अंदर रह जाएगा वन प्लस माइनस वन। अब इसके जो नेक्स्ट स्टेप है ये डेल वाई, अब इसमें से करेंगे आप इसकी पावर माइनस एम है इसको ब्रैकेट नीचे ले आए इसकी एक्स की पावर आ जाएगी प्लस का एम। यहां पे हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो 1 पावर इनटू सेकंड टर्म माइनस एम डेल एक्स ओवर एक्स प्लस पावर इनटू पावर माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था डेल एक्स ये जो प्लस वन है ये आपस माइनस वापस वन में कट जाएगा और ये जो डेल एक्स ओवर एक्स है ये तीनों में से कॉमन आ जाएगी तो ये आ जाएगा वन ओवर एक्स रेज टू पावर एम डेल एक्स ओवर एक्स माइनस एम, इसको अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम ओवर टू, इसकी एक पावर कॉमन आ जाएगी और इसमें से जब कॉमन निकालेंगे तो यह आ जाएगा एन माइनस वन। इस तरह प्रीवियस पार्ट में डेल एक्स इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, इसमें भी इसी तरह करना है डेल एक्स ओवर डेल वाई ओवर डेल एक्स, और ये आप देखते हैं जब इसकी पावर प्लस हो जाएगी एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन, ये बाकी वैल्यू एज इट इज लिख रहेगी प्लस एम स्क्वायर प्लस एम ओवर टू इंटू डेल एक्स ओवर एक्स प्लस डेल एक्स ओवर एक्स की पावर एन माइनस वन। अब दोनों तरफ आपने लिमिट पुट कर ली, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स में वन ओवर एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन। जब हम इधर वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल एक्स जहां पे भी आएगा वहां पर वो जीरो हो जाएगा, यहां भी जीरो हो जाएगा, यहां भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ आपके पास रह जाएगा माइनस एम। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एम ओवर एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू का जो सेकंड पार्ट है, इसको भी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, इसको आप इक्वल टू वाई लिखें और सबसे पहले इस पर्टिकुलर चीज वैल्यू इसको ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर 1 ओवर 2 होती है ऊपर आकर इसकी पावर माइनस का 1 ओवर 2 हो जाएगी। अब पिछले क्वेश्चन की तरह वाई को चेंज करें वाई प्लस डेल वाई में और एक्स चेंज हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स 1 ओवर 2, प्लस का वाई इसको उधर ले जाएं डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, अच्छा इस डेल एक्स को इस तरह करें कि एंड पे लिख लें ताकि एक तरतीब बन जाए डेल एक्स की पावर माइनस वन ओवर टू, प्लस का वाई इधर आकर माइनस का वाई हो जाएगा और डायरेक्ट जिस तरह पिछले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पुट करते थे इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। फिर ये जो एक्स प्लस ए है इसको आपने कॉमन निकाल लेना है, इसको जब हम कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस ए रेज टू पावर माइनस वन ओवर टू इसकी जगह पे आ जाएगा वन प्लस अब ओवर एक्स प्लस ए माइनस वन ओवर टू माइनस वन डेल वाई।
अब आपने इस तरह करना है, इसकी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, x प्लस ए वन माइनस वन ओवर टू, ये एज इट इज लिखा रहेगा, ये वन पावर इंटू सेकेंड टर्म माइनस वन ओवर टू इंटू डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस पावर इंटू पावर माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस अप टू डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए का पावर एन माइनस वन। अब पिछली क्वेश्चन की तरह ये प्लस वन और माइनस वन है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए वाली व्यवस्था में कॉमन आ रही है। इसको पहले हम बटे में लिख लें, इसकी पावर माइनस में है तो नीचे आकर ये प्लस हो जाएगी, वन ओवर एक्स प्लस ए की पावर प्लस का वन ओवर टू। इधर से जब कॉमन निकालेंगे वन प्लस एक्स प्लस ए माइनस वन ओवर टू, इसको जब हम साफ करेंगे ये आ जाएगा माइनस का थ्री ओवर टू, तो माइनस माइनस प्लस थ्री ओवर टू टू जार फोर ओवर टू फैक्टोरियल का टू ही आ जाएगा, इसकी एक पावर कॉमन आ गई, एक पावर रह जाएगी एक्स प्लस ए प्लस अप टू, इसकी एक पावर कॉमन आ जाएगी डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए एन माइनस वन। अब ये जो डेल एक्स है अगर मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देना तो यह आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स ओवर, इसकी पावर हाफ है इसकी वन है तो ये वन एंड हाफ हो जाएगी यानी कि थ्री ओवर टू, ये पावर ऐड होगी तो यह आ जाएगा थ्री ओवर टू माइनस वन ओवर टू प्लस ये थ्री ओवर एट आ जाएगा डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस अप टू डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए की पावर एन माइनस वन। अब दोनों तरफ आपने लिमिट पुट कर देनी है, अगर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो यह आ जाएगा डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डी वाई ओवर डी एक्स वन ओवर एक्स प्लस ए की पावर तीन बटा दो। अब जब यहाँ पुट होगा ये भी जीरो हो जाएगा, डेल एक्स भी जीरो पुट होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो, ये सिर्फ रह जाएगा माइनस वन ओवर टू। अब इसको अंदर करें मल्टीप्लाई तो माइनस वन ओवर टू इंटू एक्स प्लस ए रेज टू पावर थ्री ओवर। ठीक स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक का यहाँ तक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।